फिल्म के शुरुआत में हमें एक स्पेसक्राफ्ट नॉटिलस को दिखाया जाता है जो मर्क्यूरी की तरफ बढ़ रहा था। उस स्पेसक्राफ्ट में विक्टोरिया और उसके दो एस्ट्रोनॉट की टीम थी जो मर्क्यूरी के नजदीक पहुंच गए थे, पर तभी सूरज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ज्यादा तेज होकर पूरी तरह से मर्क्यूरी को ढक देता है। रेडिएशन के कारण स्पेसक्राफ्ट में भी आग लगना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो वहां से दूर चले जाते हैं। अब हमें एक प्रोफेसर जेम्स को दिखाया जाता है जो विक्टोरिया का पति है और स्पेस कंपनी स्पीयर का एक साइंटिस्ट रह चुका था। जेम्स स्टूडेंट को बताता है कि कुछ साल पहले धरती से एक एस्ट्रॉइड टकराने वाला था और इसकी जानकारी हमें 3 दिन पहले मिली थी, पर हमारे पास एक टेक्नोलॉजी नेम प्रोजेक्ट 7 है जिससे ऐसी चीजों को धरती पर आने से पहले ही रोका जा सकता है, और हमने प्रोजेक्ट 7 की मदद से उस एस्ट्रॉइड की दिशा बदल दी जिसके कारण वो धरती से नहीं टकराया। पर दुर्भाग्य से सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग बंद कर दी, जिसके बाद प्रोजेक्ट 7 अब स्पेस में ही घूम रहा है। फिर तभी वहाँ एक ऑफिसर जेम आके कहता है कि हमारा संपर्क नॉटिलस से टूट गया है, जो सुनकर जेम्स तुरंत अपने घर जाकर जेनिफर को फोन करता है जो स्पीयर की इंचार्ज है। जेम्स उससे सवाल करता है कि क्या तुम्हें नॉटिलस की कोई जानकारी मिली, जिस पर जेनिफर जवाब देती है कि सिग्नल लॉस्ट हुआ है पर उम्मीद है कि विक्टोरिया ठीक होगी। तभी फिर जेम्स को प्रोजेक्ट 7 से कुछ जानकारी मिलती है जिससे उसे कुछ समझ नहीं आता कि प्रोजेक्ट 7 को 3 साल पहले ही बंद कर दिया गया था, तो अब वो कैसे जानकारी दे रहा है। दूसरी तरफ नॉटिलस में विक्टोरिया जीवित होती है और वो अपने बाकी के एस्ट्रोनॉट्स को देखती है जिसमें से एक की मृत्यु हो गई थी और एक एस्ट्रोनॉट मार्शल भाग्य से जीवित था। इसके बाद हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो स्पीयर के हेड एडवर्ड को बता रही होती है कि मर्क्यूरी धरती की तरफ बढ़ने लगा है और वो धरती से कुछ माइल्स दूर से गुजरेगा, लेकिन उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से धरती को बहुत नुकसान हो सकता है। हमें नॉटिलस से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए जो मर्क्यूरी के सबसे नजदीक है, शायद वो हमें कुछ जानकारी दे सके। जिस पर एडवर्ड कहता है कि ठीक है, लेकिन जेम्स को कुछ मत बताना, मैं नहीं चाहती कि वो विक्टोरिया के कारण कुछ परेशानी कर दे, इसलिए उसे इस प्रोजेक्ट से दूर रखना। और अब नॉटिलस में विक्टोरिया ट्रांसमिशन से धरती पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उसकी फ्रीक्वेंसी 2 कॉलेज के स्टूडेंट क्रिस्टोफर और ब्रूक द्वारा बनाए गए एक पायरेट रेडियो स्टेशन से कनेक्ट हो जाती है। विक्टोरिया उन्हें तुरंत खबर करती है कि हम मुसीबत में हैं, तुम दोनों स्पीयर जाकर जेनिफर से मिलो, यदि उन्होंने तुम्हें अंदर आने नहीं दिया तो तुम मेरे पति जेम्स के घर जाकर उसे सब बता देना। दूसरी तरफ जेम्स अपने दोस्त मैथ्यू से मिलकर उसे सारा डेटा देता है जो प्रोजेक्ट 7 से मिला। तभी फिर आकाश से कई सारे उल्कापिंड गिरने लगते हैं। जेम्स और मैथ्यू दोनों उस उल्कापिंड को देखने बाहर आते हैं, पर तभी उन्हें पता चलता है कि ये उल्कापिंड नहीं कुछ और ही है जो हजारों की तादाद में धरती पर गिर रहे हैं, जिससे बचते हुए वो दोनों भागने लगते हैं, पर भागे से तब तक वो गिरना बंद हो जाता है। दूसरी तरफ नॉटिलस में मार्शल को पता चलता है कि मर्क्यूरी अपने ऑर्बिट से बाहर हो गया है और उनका स्पेसक्राफ्ट मर्क्यूरी की ग्रेविटी की तरफ खींचा जा रहा है। वहीं मैथ्यू आकाश से गिरी चीज को चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि ये टुकड़ा मर्क्यूरी का है और सूरज की गुरुत्वाकर्षण के कारण ये टुकड़ा भी मैग्नेटाइज हो गया, और जब वो टेलीस्कोप की मदद से मर्क्यूरी को देखते हैं तो वो अपनी जगह पर नहीं होता, जिससे वो एकदम दंग रह जाते हैं। अब मार्शल स्पेसक्राफ्ट को रिवर्स करके मर्क्यूरी की तरफ जाने से बचने की कोशिश करता है और वो उसमें सफल भी हो जाता है, पर अब मार्शल की हालत एकदम खराब हो गई थी, इसलिए वो विक्टोरिया को कंट्रोल देकर पायलट सीट से हट जाता है, जिसके बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अगले सीन में क्रिस्टोफर और ब्रूक स्पीयर तक आ जाते हैं, पर गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देता, इसलिए कुछ समय बाद जेम्स और मैथ्यूज भी स्पीयर आते हैं, पर गार्ड उन्हें भी अंदर जाने नहीं देता कि तभी वहाँ जेनिफर आ जाती है। जेम्स उसे मर्क्यूरी का टुकड़ा दिखाकर कहता है कि ये मैग्नेटाइज्ड हो गया है और मर्क्यूरी भी अपने जगह पर नहीं। जेनिफर अब उसे तुरंत एडवर्ड के पास ले जाती है, जहां जेम्स उसे कहता है कि तुम्हें प्लैनेट्स ट्रेजेक्टरी को फिर से कैलकुलेट करना चाहिए मैग्नेटिज्म के आधार पर, क्योंकि अब मर्क्यूरी धरती के नजदीक बढ़ रहा है। जिस पर एडवर्ड कहता है कि मुझे ठीक से बताओ, इसलिए जेम्स कहता है कि सूरज की मैग्नेटिक फ्लेयर मर्क्यूरी से टकरा गई जिसने उसे मैग्नेटाइज कर दिया है, और जब वो धरती के नजदीक आएगा तो धरती के मैग्नेटिक फील्ड से लॉक होकर तेजी से धरती के एटमोस्फेयर में घुस जाएगा,
जिससे धरती बर्बाद हो जाएगी। एडवर्ड अब कहता है कि मैंने चेक किया है, मर्क्यूरी धरती के बहुत दूर से गुजरेगा। पर जेम्स की विनती करने पर वो फिर से चेक करते हैं, और फिर से चेक करने पर पुणे रियलाइज हो जाता है कि मर्क्यूरी धरती के मैग्नेटिक फील्ड से लॉक हो चुका है और सिर्फ 18 घंटों में धरती से टकरा जाएगा। एडवर्ड अब कहता है कि हम मर्क्यूरी पर मिसाइल दाग देंगे जिससे उसकी कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे और वो धरती से नहीं टकराएगा। पर जेम्स कहता है कि मैग्नेटिज्म के कारण मिसाइल मर्क्यूरी से नहीं टकराएगा, वो दरअसल बीच में ही फट जाएगा या फिर से धरती की तरफ ही आने लगेगा। अब एडवर्ड गुस्सा होकर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। जेम्स उसे कहता है कि हमें प्रोजेक्ट 7 की मदद लेनी चाहिए और मैंने उसके डीफ्लोटर फील्ड को ठीक कर दिया है, बस उसे अपडेट करना बाकी है। पर फिर भी एडवर्ड नहीं मानता। आप क्रिस्टोफर और ब्रूक दोनों जेम्स के घर आते हैं, पर जेम्स और मैथ्यू दोनों रास्ते में ही थे कि उनकी कार अचानक कंट्रोल के बाहर हो जाती है। और जब वो कार से उतरकर देखते हैं तो शहर की सारी मेटल की बनी चीजें आकाश की तरफ खींची जाने लगती है, जो मैग्नेटाइज मर्क्यूरी के धरती के नजदीक होने के कारण हो रहा था। अब दोनों घर जाते हैं जहाँ क्रिस्टोफर और ब्रूक पहले से थे। क्रिस्टोफर उन्हें बताता है कि मुझे आपके पत्नी ने भेजा है और वो जेम्स का संपर्क विक्टोरिया से करवाता है। जेम्स उसे सारी बात बता देता है और कहता है कि धरती को अब प्रोजेक्ट 7 ही बचा सकते हैं, लेकिन तुम्हें उसके लॉन्च होने से पहले वहां से निकलना होगा। जिस पर विक्टोरिया कहती है कि स्पेसक्राफ्ट में इतनी एनर्जी नहीं बची है कि मैं मर्क्यूरी की ग्रेविटी से दूर चले जाऊं। पर तभी उसे एक आइडिया आता है कि मैं स्लिंगशॉट मैन्यूवर का प्रयोग करूंगी। मैथ्यू भी कंफर्म करता है कि ऐसा मुमकिन है यदि विक्टोरिया मर्क्यूरी की ग्रेविटी की मदद से एक्सीलरेट करने में सफल रही तो उसे थोड़ा और ज्यादा मोमेंटम मिलेगा जिससे शायद वो वहां से बाहर आ जाए। पर जेम्स जवाब देता है कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि मैग्नेटाइज के कारण कुछ भी हो सकता है। पर विक्टोरिया कहती है कि और कोई रास्ता भी नहीं है, और फिर तभी वो रेडियो खराब हो जाता है। अब जेम्स अपने कंप्यूटर के पास आता है जहां उसे पता चलता है कि प्रोजेक्ट 7 का गाइडेंस सिस्टम खराब हो गया है जो सिर्फ वहां जाकर ही ठीक हो सकता है। मैथ्यू सब कहता है कि नॉटिलस भी उसे ठीक कर सकता है यदि विक्टोरिया स्पेसक्राफ्ट को प्रोजेक्ट 7 तक ले जाए और स्पेसक्राफ्ट के गाइडेंस सिस्टम को प्रोजेक्ट 7 के गाइडेंस सिस्टम से कनेक्ट कर ले तो हम प्रोजेक्ट 7 को नियंत्रित करके मर्क्यूरी की तरफ भेज सकते हैं। पर जेम्स कहता है कि प्रोजेक्ट 7 का सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा, उसके बगैर विक्टोरिया का स्पेसक्राफ्ट प्रोजेक्ट 7 से बाहर नहीं आ पाएगा और अपडेट के लिए मुझे एडवांस कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। फिर तभी पूरे शहर की बिजली चली जाती है। जेम्स अब क्रिस्टोफर से कहता है कि तुम अपना रेडियो ठीक करो, और वो मैथ्यू के साथ स्पीयर के हेडक्वार्टर जाता है जहां से वो प्रोजेक्ट 7 के कोड्स लेकर स्पीयर के सीक्रेट हेडक्वार्टर जाएंगे जहां उन्हें एडवांस कंप्यूटर मिलेगा और वहां से प्रोजेक्ट 7 को अपडेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर और ब्रूक दोनों एक पुराने प्लेन के ट्रांसमीटर की बैटरी निकालकर अपने रेडियो में लगाते हैं जिससे अब रेडियो चालू हो जाता है। अब जेम्स और मैथ्यू के पास और कोई चारा नहीं, इसलिए दोनों भी गार्ड को घायल करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और प्रोजेक्ट 7 का कोड ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरे सीन में विक्टोरिया मर्क्यूरी की ग्रेविटी के काफी अंदर चली जाती है। वहीं इधर जेम्स का एक गार्ड से हाथापाई हो जाता है, पर मैथ्यू फायर एक्सटिंग्यूशर की मदद से उसे ढेर कर देता है। जेम्स को भी भाग्य से फाइल भी मिल जाती है और वो वहां से निकल जाता है और बाहर आकर क्रिस्टोफर को एक जगह बुलाता है जहां वो खुद भी आ रहा था। दूसरी तरफ एडवर्ड जेनिफर से कहता है कि जल्दी वेव कैलकुलेशन करके मुझे बताओ ताकि मैं मिसाइल को लॉन्च कर सकूं। पर जेनिफर जवाब देती है कि जनरेटर अभी चालू हुआ है, थोड़ा समय लगेगा। फिर एडवर्ड कहता है कि तुम हेडक्वार्टर जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी गड़बड़ हो। अब जेम्स और मैथ्यू दोनों कार से जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें घायल अवस्था में एक आदमी दिखाई देता है, और जब मैथ्यू उसके करीब जाता है तो वो मैथ्यू को पकड़कर जेम्स से कहता है कि मुझे गाड़ी की चाबी दो, जिस पर जेम्स उसे चाबी दे देता है। और जब वो कार लेकर भाग ही रहा होता है कि तभी उसकी कार मैग्नेटिज्म के कारण हवा में उड़ जाती है और फिर पीछे से एक और कार आकर मैथ्यू को उड़ा ले जाती है। दूसरी तरफ विक्टोरिया मर्क्यूरी के एकदम नजदीक पहुंच चुकी थी और मर्क्यूरी की ग्रेविटी की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करती है जिसमें वो भाग्य से सफल हो जाती है। वहीं स्पीयर में एडवर्ड मिसाइल को लॉन्च कर देता है। दूसरी तरफ जेम्स क्रिस्टोफर और ब्रूक के साथ आगे बढ़ ही रहा होता है, पर आगे रास्ता बंद होने के कारण उन तीनों को पैदल आगे बढ़ने का तय करना पड़ता है। वहीं यहाँ मिसाइल मर्क्यूरी के नजदीक आकर उसके मैग्नेटिज्म के कारण एक दूसरे से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। वहीं अगली सीन में हम जेम्स को देखते हैं जहां विक्टोरिया उसे रेडियो के जरिए कहती है कि मैं मर्क्यूरी से बाहर आ चुकी हूं और धरती की तरफ बढ़ रही हूं। क्या तुमने प्रोजेक्ट 7 लॉन्च किया?
जिस पर जेम्स उदास होकर कहता है कि उसकी गाइडेंस सिस्टम में गड़बड़ हो गई है और तुम्हें वहां जाकर नॉटिलस को उससे जोड़ना होगा और अभी तक उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट नहीं हुआ है जो सिर्फ हेडक्वार्टर से ही होगा। जिस पर विक्टोरिया जवाब देती है कि शायद घर आने में थोड़ा और समय लगेगा पर मैं ये करके ही रहूंगी। पर तब तक स्पेसक्राफ्ट का ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है और सिर्फ 15 मिनट का ही ऑक्सीजन बचा था। दूसरी तरफ जेम्स लिफ्ट के लिए एक कार को रोकता है और उस कार से दो स्पीयर के गार्ड्स बाहर आते हैं जिससे जेम्स उसे हेडक्वार्टर छोड़ने की विनती करता है पर वो मना कर देते हैं जिसके कारण ब्रूक गार्ड्स पर हमला करके उसकी गन ले लेती है और वो तीनों उनकी कार लेकर हेडक्वार्टर की तरफ निकलते हैं। अब मर्क्यूरी के नजदीक आने के कारण पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल बन गया था और जेम्स और बाकी जब कार से आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी आकाश से कई सारे गाड़ियां गिरने लगती है जिनसे बचते हुए वो आगे बढ़ते हैं पर तभी एक गाड़ी उनके कार के ऊपर आ गिरती है। पर भाग्य से जेम्स और क्रिस्टोफर बच जाते हैं पर ब्रूक की वहीं मृत्यु हो जाती है जिससे क्रिस्टोफर बहुत ही उदास हो जाता है। पर जेम्स उसे कैसे तो संभालता है कि हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। वहीं यहाँ विक्टोरिया प्रोजेक्ट 7 तक पहुंच जाती है और उसकी गाइडेंस सिस्टम से कनेक्ट करने की कोशिश करती है पर अब जब जेम्स और क्रिस्टोफर आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें जेनिफर की कार मिलती है पर वो भी अब मर चुकी थी जिसे देखकर जेम्स एकदम उदास हो जाता है और उसकी आईडी लेकर सीक्रेट हेडक्वार्टर के लिए निकल जाता है। अब विक्टोरिया जेम्स से कहती है कि मैंने प्रोजेक्ट 7 को कनेक्ट कर लिया है पर ये मर्क्यूरी से दूर जा रहा है, मुझे इसे उसके नजदीक ले जाना होगा। फिर जेम्स जवाब देता है कि अभी तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है जिसके कारण ही एनर्जी शील्ड चालू नहीं होगी और प्रोजेक्ट 7 के साथ हमारा स्पेसक्राफ्ट भी बर्बाद हो जाएगा। वहीं यहाँ जेम्स और क्रिस्टोफर दोनों स्पीयर की सीक्रेट हेडक्वार्टर तक पहुंच जाते हैं और वहीं विक्टोरिया प्रोजेक्ट 7 को मर्क्यूरी की तरफ ले जाने लगती है। जेम्स अब जेनिफर की आईडी से एक सीक्रेट कमरे में आता है और वहां रखे कंप्यूटर से प्रोजेक्ट 7 को अपडेट करना शुरू करता है पर अब विक्टोरिया कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं प्रोजेक्ट 7 को मर्क्यूरी से टकरा दूंगी। पर भागे से तब तक सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है और जेम्स विक्टोरिया को तुरंत खबर करता है कि मैंने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया है, तुम जल्द से जल्द वहां से निकलो। पर अब वो सीक्रेट हेडक्वार्टर भी गिरने वाला था इसलिए जेम्स और क्रिस्टोफर को वहां से बाहर निकलना पड़ता है और वहीं विक्टोरिया भी समय रहते प्रोजेक्ट 7 से दूर आ जाती है और फिर प्रोजेक्ट 7 मर्क्यूरी से टकरा जाता है जिसकी मदद से मर्क्यूरी अपना रास्ता बदल देता है और एक बार फिर धरती विनाश होने से बच जाती है। जेम्स अब विक्टोरिया से संपर्क करने की कोशिश करता है पर वहां से कोई जवाब नहीं मिलता लेकिन कुछ समय बाद विक्टोरिया जवाब देती है जिसकी आवाज सुनकर जेम्स एकदम खुश हो जाता है और अब हमें विक्टोरिया के स्पेसक्राफ्ट से धरती को दिखाते हुए ये मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।